मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर पे अगर किसी की स्टोरी आती है वो जैन अदिति की आती है आज भी, जबकि 2 साल हो गए. जो भी मैंने स्टोरी देखी इसकी, ओवरऑल इट्स गोइंग गुड. मैं अपना शो देखने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं दूसरों का शो कहाँ से देखूंगी. मेरा और जैन का जैसे कि हमने डे वन से यही चीज़ बोली, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी बहुत. अच्छा, अब मैं इसे अभी हटके मैं नामकरण के सारकास के साथ आपसे बात कर रहा हूँ. जैन का नया शो है नलिनी, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना ज़्यादा फॉलो करिए वो स्टोरी, आप कितना एंजॉय कर रही हैं? मैं एक्चुअली जैन का मैंने शो जो है मैंने उसमें देखा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर पे अगर किसी की स्टोरी आती है वो जैन अदिति की आती है आज भी, जबकि 2 साल हो गए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जितने भी फैंस हैं वो इतना फॉलो करते हैं. तो मैंने उसमें थोड़ा ऊपर नीचे छोटा छोटा पार्ट्स वार्ट्स में देखे हैं उसके, बट जो भी मैंने स्टोरी देखी इसकी, ओवरऑल इट्स गोइंग गुड. और मुझे टाइम मिला नहीं क्योंकि 7 बजे का स्लॉट है, 7 o'clock का स्लॉट है ना आई थिंक, हाँ 7 बजे का स्लॉट है. और अब मैं अपना शो देखने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं दूसरों का शो कहाँ से देखूंगी. अच्छा नन्नी, ये बहुत कॉमन थिंग थी जब हम जानते हैं आप जैन से काफ़ी क्लोज है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब जैन के साथ घूमती फिरती तब आपको ट्रोल किया जाता था कि अदिति के वो हैं. नहीं, अब मुझे ट्रोलिंग नहीं होती. अब तन्वी को ट्रोल किया गया था जब तन्वी ने उनके अपोजिट रोल प्ले किया था. कह सकते हैं मतलब फैंस इतने ज़्यादा क्रेजी कि आज भी सिर्फ वो दोनों जन को देखना चाहते हैं. तन्वी को क्यों ट्रोल किया उन्होंने? उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही थी, दोनों को साथ में पसंद नहीं कर रहे थे. रियली? ओके, बट मैं तो देखो खुश हूँ कि मेरे को तो फैंस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट टू अनदर लेवल ओनली, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इवेंचुअली उनको भी ये चीज़ समझ आई कि लोगों की पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग है. और मेरा और जैन का जैसे कि हमने डे वन से यही चीज़ बोली, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी बहुत, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई, या जो थोड़े ट्रोलर्स थे उन लोगों ने बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया. सो वो चीज़ आई डोंट नो वो कहाँ पे क्या गैप आया, बट उसकी वजह से लकीली अब विद टाइम सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई है. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को जो भी जितने भी फैंस हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं नामकरण के. एंड तन्वी और जैन को ट्रोल हो रहा है तो यार मुझे नहीं पता, मैं तो इस मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहती फिलहाल. ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, बट एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ट्रोलिंग हो रही है उसको, पर अब तो उसने शो छोड़ दिया ना. नहीं, अच्छा इस ट्रोलिंग की वजह से.